मुजफ्फरपुर की प्राचीन मूर्तियों पर अंतर्राष्ट्रीय तस्करों की नजर। अष्ट धातु की मूर्तियों को नेपाल में बेचते हैं तस्कर। और आई से माता सीता की मूर्ति चोरी के बाद हुआ खुलासा। मुजफ्फरपुर नगर निगम की राजनीति में फिर आया भूचाल। पूर्व मेयर ने डिप्टी मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को बताया गैर कानूनी, कहा कोर्ट तक लेकर जाएंगे। बिहार विधानमंडल मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन, बोले मुकेश रोशन, बालू घोटाले में शामिल जेडीयू नेता पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। वैशाली में शराब माफिया का दुस्साहस, उत्पाद विभाग के दो निरीक्षकों पर जानलेवा हमला। यात्रीगण ध्यान दें, 1 अगस्त से गया से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा शुरू। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को दिल्ली के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट भरेगी उड़ान। मधुबनी के भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों ने ड्रोन कैमरे की बड़ी खेप के साथ शख्स को दबोचा। तीसरी लहर के लिए IGIMS में वार्ड तैयार। बच्चों के कोविड वार्ड में होंगे छोटा भीम और डोरेमोन। कार्टून देखकर बच्चों को मिलेगी कोरोना को मात देने की ताकत। मुजफ्फरपुर में युवक को पीट पीट कर मार डाला, लड़की से मिलने गया था युवक, परिजनों ने पीट पीट कर ले ली जान। लड़की वाले बोले मोटर चोरी करने आया था। विधान परिषद में मंत्री नितिन नवीन ने दिया जवाब, मुंगेर से मिर्जा चौकी तक 4 लेन बनाने का काम चल रहा है। साथ ही वर्तमान मार्ग के 2 खंडों पर 10 मीटर चौड़ी कंक्रीट की सड़क निर्माण की स्वीकृति। सिवान में कहासुनी के बाद हाथापाई पर उतरा अपराधी, बातों बातों में मार दी चाकू, एक की मौके पर ही मौत, एक घायल। मुजफ्फरपुर में 70 रेलवे ई टिकट के साथ एक दलाल गिरफ्तार। वहीं पक्की सराय में हुई छापेमारी में 1 लैपटॉप, 2 मोबाइल, 1100 रुपए बरामद। बड़े फैसले के लिए कल दिल्ली जा सकते हैं सीएम नीतीश, जेडीयू को नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद। मुजफ्फरपुर में कम उत्पादन के बाद भी लीची किसानों के हौसले बुलंद, अगली फसल की तैयारी शुरू। मुजफ्फरपुर पिकअप लूट मामले में फरार आरोपित ने एएसपी के समक्ष किया समर्पण। विधानसभा मार्ग पर निकले वार्ड सचिवों पर लाठीचार्ज, 4 साल से 1,15,000 वार्ड सचिवों को नहीं मिला वेतन। कारगिल चौक पर बवाल के बाद पुलिस ने जमकर बरसाई लाठियां। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का चौथा दिन, राजद विधायक आलोक मेहता ने सदन में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, कहा सरकार बेरोजगारों के साथ कर रही भद्दा मजाक। लालू यादव ने तेजस्वी यादव को लेकर कही बड़ी बात, बोले हमसे भी बहुत आगे निकल चुके हैं तेजस्वी यादव। जातीय जनगणना को लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार को भी घेरा। ऑपरेशन के लिए पेट खोला तो डर गए डॉक्टर, पटना में 10 साल के मासूम को चोट लगने से लीवर और पैंक्रियाज हो गया था डैमेज, 1 साथ 3 मेजर ऑपरेशन कर बचाई जान। डॉक्टरों के परिवार पर संकट, कोरोना काल में सैकड़ों की जान बचाने वालों के परिवार को बचाए सरकार। 1,570 डॉक्टरों के परिवार को नहीं मिलाने आए IMA ने कहा आप तो रक्षा कीजिए। दरभंगा में लड़की से छेड़खानी कर रहा था झोला छाप डॉक्टर, परिजनों ने रंगे हाथ पकड़ा, पहले जमकर पिटाई की फिर बाल काट दिए। जातिगत जनगणना को लेकर सियासत ने तेजस्वी, बोले PM मोदी तक बात पहुंचाने के लिए डेडिकेशन बनाए CM नीतीश। मुजफ्फरपुर की खालिक नगर गौड़ीहार पंचायत में कैंसर से मुक्ति की जगह उम्मीद। SKMCH में मार्च में शुरू हो गए होमियो भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर की टीम इसको लेकर सक्रिय हो गई। कुछ दिन पहले ही अस्पताल की टीम पहुंची गांव। कोरोना से मौतों पर विधानसभा में माले की रिपोर्ट, अप्रैल मई 2021 में 1693 गाँव में 7200 मौतें हुई। पूर्व में बिहार में 2 लाख का अनुमान, सरकार मार्च 2020 से 9632 ही बता रही। रफ्तार ने ली किशोर की जान, छपरा में राज्य खाद्य निगम की बेलगाम ट्रक ने 12 साल के किशोर को कुचला, मौके पर ही मौत, एक घायल, घर में पसरा मातम। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सेवानिवृत्त होने वाले 3 कर्मचारियों को दी गई भावभीनी विदाई। मुजफ्फरपुर पवन आर्केड में इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर मॉनसून ऑफर के तहत अप टू 40% तक छूट, 0% ब्याज दर पर फाइनेंस की सुविधा। मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान के मार्ग पर जल जमाव से परेशान राहगीर। शिक्षक नियोजन के दूसरे चरण की काउंसलिंग 2 अगस्त से, शिक्षा विभाग ने संशोधित शेड्यूल जारी किया। नगर निकाय में 2 अगस्त से 5 अगस्त तक काउंसलिंग। दरभंगा में चौथी बार स्थगित हुई बिहार BEd संयुक्त प्रवेश परीक्षा, अब 13 अगस्त को होगी आयोजित। महंगाई, जासूसी और रोजगार जैसे मुद्दों को लेकर गुरुवार को राजधानी पटना में युवा कांग्रेस के सदस्य सड़कों पर उतर आए। बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस के नेताओं ने इस मामले पर विधानसभा घेराव की बात कही। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।